मध्य प्रदेश के देवास जिला स्थित खतेगांव में लॉकडाउन के प्रथम दौर से लेकर चौथे दौर तक शासन प्रशासन की सक्रियता के कारण क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण दूर था, लेकिन जैसे ही अनलॉक प्रारंभ हुआ तो ग्राम बड़दा में 35 लोग बाहर से आए, उनकी जांच पड़ताल की गई। उनमें से एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने से बड़दा के लोगों में हड़बड़ाहट सी मची हुई है। जिस मोहल्ले में ये लोग बाहर से आए हैं, तब से ही बड़दा में लोगों में कोरोना वायरस से डर है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव, बागदा, कांकरिया और गुज्जर गांव के मरीजों के नाम आने के बाद एक बार पुनः प्रशासन ने अपनी सक्रियता देखते हुए इन लोगों को सुबह अपने अपने घरों से एम्बुलेंस के माध्यम से खातेगांव क्वारंटाइन सेंटर बुलाया। एसडीएम तिवारी ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद इन लोगों को 3 जून के बाद घरों में होम क्वारंटाइन किया गया था और बताया गया था कि घर से बाहर न निकले। लगभग 30-35 लोग आए थे जी, उनकी स्क्रीनिंग की गई थी, जिनको कुछ सिम्टम लग रहे थे उनके करीब 15 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, उनमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको सबको क्वारंटाइन किया गया था और जैसे ही पता लगा तो उनको सबको देवास रेफर कर दिया गया है। उनके फर्स्ट कांटेक्ट वाले लोगों के सबके आज सैंपल लिए जा रहे हैं, उनको सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पहले भी अपील करता रहा है, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर इन सबका उपयोग करना चाहिए सबको। दो पहिया वाहन पे 1 व्यक्ति से ज़्यादा, 4 पहिया वाहन पे 3 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए। अभी तक यहां संतोष तिवारी सक्रिय से गांव में चौकीदार अलर्ट थे, कोई मौजूद बाहर से आए हुए तुरंत अस्पताल में उनकी जांच कराई जा रही थी। इसी के कारण यहां 7 मरीज का पता चला। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गणपत सिंह बघेला ने बताया कि 3 जून को दिल्ली एवं अन्य स्थानों से खातेगांव क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में पहुंचे वाले लोग अस्पताल में जांच कराने आए थे। इन लोगों की जांच पड़ताल की गई और लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब इनमें से कुछ लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दरमियान लोगों ने मोहल्ले सील करने की मांग रखी है। प्रदीप साहू, एक्सप्रेस 1 न्यूज, खातेगांव, मध्य प्रदेश।